नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वोटर कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है। दोस्तों देखिए, मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको जो है पिछले वीडियो में बता दिया था कि डाउनलोड करने के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जैसे कि वोटर कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह जो भी होते हैं करेक्शन करना बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अच्छी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस वाले वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा कि सिंपल सी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें टाइप सर्च बार में आपको टाइप करना है वोटर पोर्टल। वोटर पोर्टल टाइप करके आपको सर्च कर देना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपको अब क्या करना होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, जो अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं वो साइनअप बटन पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, देन उसके बाद लॉगिन होना है। तो जैसे कि यहाँ पर लॉगिन बटन का आइकन दिया है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप दो ऑप्शन मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईपिक नंबर। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका ईपिक नंबर याद है तो इसमें फिल कर देंगे, अगर मोबाइल नंबर जैसे आप जो भी अकाउंट क्रिएट करते समय दिए थे वो मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देना, उसके बाद पासपोर्ट इसमें फिल कर देना जो भी बनाए होंगे पासपोर्ट। तो दोनों को फिल करने के बाद आप उसके बाद क्या करना है, सिंपल से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैप्चा। तो कैप्चा को जो है क्या करना है, इसमें या कैप्चा को इसमें फिल कर देना है इस वाले ऑप्शन में। तो सिंपली आपको कैप्चा को फिल करने के बाद उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर इसमें फिल करके सारा चीज़ रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक किया, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी मांग रहा है। तो जो भी ओटीपी आया हुआ रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, इस ओटीपी को इसमें फिल कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो चुके हैं। तो अब आपको आगे क्या करना होगा कि सिंपली आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म 8 आपको देखने को मिलेगा, फिल फॉर्म 8। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल के आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, सेल्फ और अदर इलेक्ट्रोल। तो सिंपली आप अगर सेल्फ हैं तो अगर खुद का कर रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे, अगर दूसरा कर रहे हैं तो अदर इलेक्ट्रोल, आप अदर इलेक्ट्रोल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ईपिक नंबर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अदर इलेक्ट्रोल पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ईपिक नंबर मांग रहा है। तो सिंपली आपको जो भी वोटर आईडी कार्ड है तो इसमें आपको फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर फिल करके सबमिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे ईपिक नंबर डाला तो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिनके नाम से होंगे उनका नाम और जो है पार्ट नंबर, स्टेट और असेंबली, सारा नाम दिखेंगे, सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो सिंपली आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे ओके बटन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको इन तीन ये चार ऑप्शन आपको खुल के आएंगे, तो इन चारों ऑप्शन में आपको जो क्या करना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है जो वोटर कार्ड जो है आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो वो आपके एड्रेस पर डाक द्वारा आ जाएंगे, उनके लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। और जिन व्यक्ति को अगर आपको करेक्शन करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, तो वो करेक्शन वाला जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में दिए होंगे करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्सिटिंग इलेक्ट्रोल रोल। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, उसके बाद ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ओके बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको सिलेक्ट लैंग्वेज अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते उसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिए होंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है नेक्स्ट बटन पर। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अगर आधार नंबर आप डालना चाहते हैं तो आधार नंबर पे आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद अगर नहीं डालना चाहते तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और नेक्स्ट बटन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे नेम अगर गलत है तो नाम करेक्शन करेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और नीचे फ़ोटो दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें में से आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं उस पर आपको टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं तो जो भी इस कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे डेमो के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसके लिए आप जो है ये चीज़ें आप देख लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होंगे वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ दिए हुए हैं कि टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दिए होंगे, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड है, तो सिंपली आप सभी के पास आधार कार्ड होते ही होते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको वो आधार कार्ड इसमें अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे चूज फाइल है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। उसके बाद ठीक आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पैलेस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पैलेस में आपको क्या करना होगा, जो भी जगह के आप जहाँ से भी आप हैं, जहाँ आपका विलेज नाम क्या है, वो विलेज नाम इसमें फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज पैलेस में विलेज फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली आपको ये कैप्चा को फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सेव सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू, आपको फॉर्म प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो जो जो आपने डिटेल्स डाला था वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को बारी बारी से आप चेकआउट करने के बाद अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल्स सही हैं तो आपको क्या करना होगा, सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर इसमें कोई प्रकार के रॉन्ग डिटेल्स फिल कर दिए हैं तो आपको कीप एडिटिंग पे क्लिक करके आपको एडिट करके फिर से सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर सब चीज़ सही है तो सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सारा चीज़ आप फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा, तो वो नंबर आपको स्टेटस चेक करते रहना है। आपको BLO जो है वेरीफाई कर देंगे तब जाके 5-7 से 8 रोज के अंदर आपको अप्रूव हो जाएगा। तो अब तब आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेंगे इसी वाले वेबसाइट पे, जैसे मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि मैं ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सारा चीज़ हर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके आप किसी भी चीज़ का करेक्शन कर लेंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देंगे, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा और उसके बाद उस पर एक टॉपिक पे वीडियो भी बना के मैं अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। तो जैसे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना और साथ ही मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।